नमस्कार दोस्तों, कारपॉइंट चैनल के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं अपनी कार का जो क्लच पेडल है इसको एडजस्ट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों मैं क्लच पेडल को एडजस्ट करने की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्लच को एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि फ्री प्ले को एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो मेरी कार का क्लच पेडल है दोस्तों और जो ब्रेक पेडल है उसका लेवल थोड़ा अलग अलग हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है। तो इसको हम लेवल में करने के लिए जो है इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरह से हमको रखना है। तो मैं आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर नीचे देखेंगे यहां पर, तो यहां पर एक देखिए ये नट दिया गया है। तो इसको अगर हम टाइट करेंगे तो ये ऊपर आएगा, और इसको हम लूज करेंगे इस नट को तो ये नीचे जाएगा पेडल। तो हमको क्या करना है, इसको लूज करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर जो है टच होता है इस तरह से, देखिए तो ये टच होता है जब हम इसको प्रेस करते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, लूज करना पड़ेगा अगर हमको इसको नीचे ले जाना है। तो इसके लिए हमको जो है 10 नंबर का जो है रेंच चाहिए होगा इस तरह का, उससे हम जो है इसको लूज करेंगे या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैमरा है मैं इसको सेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हमको लूज करना है। तो अभी दोस्तों मैंने कैमरा सेट किया हुआ है, और इसको दोस्तों लूज करने के लिए क्या करना है, आपको जितना इसको मतलब लेवल में लेना है पहले उसको उतना प्रेस करके इस तरह से रख लीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है जो हमारे पास टूल है इसको लगा के इसको लूज करेंगे। तो जब तक इसको लूज करेंगे ये इससे टच ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो लूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जो लेवल है दोस्तों वो ब्रेक पेडल से ऊपर आ रहा था और मुझे थोड़ा कार ड्राइव करते समय थोड़ा अजीब लग रहा था, इस वजह से मैं इसको एडजस्ट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इससे टच होने लगा है, देखिए तो जो पेडल है उसका लेवल भी ठीक आ गया है। अभी देखिए जो पेडल है वो बिल्कुल सही जो है लेवल में आ गया है, ब्रेक पेडल के बराबर आ चुका है। तो अभी जो है कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। तो इस तरह से दोस्तों आप एडजस्ट तो कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके बाद आपको फ्री प्ले भी चेक करना पड़ेगा। इसको मैंने टाइट कर दिया तो जो फ्री प्ले है वो खत्म हो गई है, तो फ्री प्ले को भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से फ्री प्ले को एडजस्ट करेंगे। तो जो फ्री प्ले है क्लच पेडल में वो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं है, और क्लच पेडल जो है बिल्कुल टाइट है। तो इसको हमको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है इसको एडजस्ट किया है तो जो क्लच वायर होती है वो तन जाती है, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इसको लूज करने के लिए जैसा कि मैंने एक वीडियो बना के बताया हुआ है, नीचे कार का जो इंजन कंपार्टमेंट है उसके नीचे चलेंगे और वहाँ से जो है हम क्लच को एडजस्ट करेंगे। जो यहाँ पर आपको एडजस्टर दिया होता है क्लच केबल का, देखिए ये दिया गया है, तो इसको जो है हमको एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए जो ये प्लास्टिक का केप है इसको निकालेंगे और इसको हमें लूज करना होगा। अगर क्लच को लूज करना है तो इसको लूज करना होगा। ठीक है, तो मैं लूज कर देता हूँ, और थोड़ी सी जो है फ्री प्ले अभी हमें दिख रही है, तो इसको हम वापस लगा देते हैं और फिर से चेक करते हैं पेडल में कि फ्री प्ले कितनी हमें अभी महसूस हो रही है। तो जो पेडल टाइट था वो अभी थोड़ा सा लूज हो गया, देखिए तो अभी फ्री प्ले बिल्कुल ठीक है इस पेडल में, और जो पेडल का लेवल है वो भी बिल्कुल सही आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपनी कार का जो पेडल है क्लच पेडल उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कार में ये इशू है तो उसको आप घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।